नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हमेशा सभी को एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाली और अच्छी स्टार रेटिंग वाली गाड़ियां ही प्रेफर करनी चाहिए, ताकि उसमें बैठकर आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हमसे तो कभी एक्सीडेंट होता नहीं है, हम क्यों ये सब देखें, हम तो फीचर्स, माइलेज और लुक्स पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि एक्सीडेंट सिर्फ आपके गलती से नहीं होता है, और आप चाहे जितने भी आराम से और कम स्पीड में क्यों ना चल रहे हो, दूसरों की गलतियां आपको सेफ नहीं रहने देंगी, और ये चीज आए दिन देखा भी जाता है। आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो महिंद्रा XUV 700 और ट्रक के बीच हुआ है, और ये राजस्थान से खुद XUV 700 के ओनर मिस्टर प्रतीक माथुर जी ने मुझसे शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले राजस्थान के जोधपुर में किसी फ्लाईओवर पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक जी और उनके एक फ्रेंड ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर एक ट्रक ने उनको ओवरटेक किया और कुछ दूर आगे जाकर अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद प्रतीक जी गाड़ी को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा ट्रक के बैक साइड में लड़ गए। यहाँ पर ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने का रीजन नहीं पता चल पाया है, क्योंकि ड्राइवर स्पॉट से भाग गया था, हो सकता है उसके सामने अचानक से कुछ आ गया हो। खैर, जो भी हुआ बुरा हुआ, एक्सयूवी की हालत तो आपको साफ दिखाई ही पड़ रही होगी। इसका पूरा फ्रंट ट्रक के अंदर घुसकर बुरी तरह से डैमेज हो गया है, और जबरदस्त इंपैक्ट की वजह से इसका राइट साइड वाला ए पिलर भी कोलैप्स हो गया है। अंदर बैठे लोगों की बात करें तो दोनों पैसेंजर्स को बहुत ही ज्यादा चोटें आ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल सब ठीक है। मेरे पास एक्सीडेंट के बाद के कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसे यहाँ पर अपलोड नहीं किया जा सकता है। मैं उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। हालांकि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी XUV 700 ने पैसेंजर्स की जान बचा ली। उम्मीद है ये सब देखकर आप भी एक सेफ कार को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।